सपोज कोई भी एक्सपेंशन हमें गिवन है, और उस एक्सपेंशन में वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द कोफिशियंट्स, केवल कोफिशियंट्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो अगर कोफिशियंट्स का सम फाइंड आउट करना है तो जो भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वेरिएबल्स को हम हटा देंगे। तो वेरिएबल्स को हटा देते हैं, इट मीन्स व्हाट, उनकी वैल्यू हम क्या करते हैं, वन कर दें। उनकी वैल्यूज अगर हम वन कर दें, ठीक है, अगर वैल्यूज अगर हमने वन कर दी तो क्या होगा, वेरिएबल्स अपने आप ही, किसी का भी प्रोडक्ट करूंगा उस कोफिशियंट से तो वन ही आएगा। जैसे हमने एक्स प्लस वाई रेस टू द पावर एन के एक्सपेंशन में देखा था, सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशियंट अगर हमें निकालना था तो हमने क्या, एक्स भी वन रख दिया था, वाई भी वन रख दिया था, सो दैट जो प्रोडक्ट में टर्म्स आ रही है वो वन हो जाएगी। तो यहाँ पे भी कोई भी एक्सपेंशन हमें गिवन है, वहां तो बाइनोमियल था, अगर ट्राइनोमियल भी है, मीन्स तीन टर्म्स भी है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए क्या करो, सम अगर फाइंड आउट करना है तो जस्ट व्हाट यू डू, पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल वेरिएबल्स वन, मीन जितने भी वेरिएबल्स है, उन सब वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या करते हैं, हम वन 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 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ताकि वेरिएबल जब भी प्रोडक्ट में आएंगे तो वो अल्टीमेटली क्या देंगे, हमें वन ही देंगे। तो उससे हमें जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, सम ऑफ द कोफिशियंट, पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल द वेरिएबल्स वन। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द कोफिशियंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन में सम ऑफ द कोफिशियंट हमें फाइंड करना है, तो क्या करें, एक्स भी वन रख दें, वाई भी वन रख दें, तो आंसर क्या आ जाएगा, सम ऑफ कोफिशियंट विल बी इक्वल टू व्हाट, टू रेस टू द पावर एन। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट अगेन वाई सम ऑफ द कोफिशियंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 3y की पावर 100। ठीक है, क्या करें, x की जगह 1 रख दो, y की जगह भी क्या रख दो, 1 रख दो, यहां पे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज क्या रखना, 1। तो सम ऑफ कोफिशियंट जो आएगा, सम ऑफ कोफिशियंट विल बी इक्वल टू, एक्स की जगह वन रखा तो टू माइनस, वाई की जगह भी वन रखा थ्री, रेस्ट टू द पावर व्हाट 100। तो क्या आ जाएगा, टू माइनस वन, सॉरी टू माइनस थ्री माइनस वन, रेस्ट टू द पावर 100, तो क्या आ गया वन। इसके एक्सपेंशन में सम ऑफ द कोफिशियंट क्या होगा, वन होगा। थर्ड सपोज वन माइनस एक्स प्लस 2x² की पावर 51 कर लो, तो इसके एक्सपेंशन में अब क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, एक्चुअली तीन टर्म्स आ गई ना, तो हमें तो कितनी भी टर्म्स हो कोई मतलब नहीं है, क्या करना है, जो भी वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज क्या रखना है, वन रखना है, x की जगह वन रखना है, यहां पे x की जगह क्या रखना है, वन रखना है। तो सम ऑफ कोफिशियंट जो आएगा यहां से, सम ऑफ कोफिशियंट विल बी इक्वल टू वन माइनस वन प्लस ये आ जाएगा टू की पावर 51, तो आंसर क्या आ जाएगा, टू रेस टू दी पावर 51 आ जाएगा। ठीक, अब फोर्थ इसको ट्राई करो, 3x माइनस 4y प्लस 2z माइनस टू रेस टू द पावर 153, फाइंड इट आउट। ये जो एक्सपेंशन है इसके एक्सपेंशन में हमें फाइंड करना है सम ऑफ कोफिशियंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाइनोमियल कोफिशियंट, मैं कोफिशियंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, मीन्स एक्स वाई जेड जो आएंगे उनको हटा देंगे, उसके जो कोफिशियंट्स है उनको अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आएगा, जस्ट ट्राई इट आउट।
हो गया, क्या किया, x की जगह 1 रखो 3, y की जगह 1 रखो माइनस 4, z की जगह 1 रखो 2 माइनस 2, रेस्ट टू द पावर 153, माइनस 1 माइनस 1 की पावर 153, तो क्या जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। एक और फिफ्थ इसको ट्राई करो। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस वन रेस्ट टू द पावर 53 वेनिशेस, वेनिशेस मीन्स वॉट, जीरो हो जाए। Try it out. हो गया, देखो सम ऑफ द कोफिशियंट जो है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो पहले सम ऑफ द कोफिशियंट निकालने, तो सम ऑफ द कोफिशियंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, जो भी वेरिएबल्स है वो हम क्या रख दें, वेरिएबल्स को वन रख दें। तो यहां तो एक ही वेरिएबल है एक्स। ओके, तो जो सम ऑफ द कोफिशिएंट्स आएगा, हम मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूं, जो सम ऑफ द कोफिशिएंट्स आएगा, सम ऑफ कोफिशिएंट्स विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स की जगह वन रखो तो क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन होल रेस्ट टू द पावर 53 इज इक्वल टू वॉट, जीरो। उसने बोला है ना सम जीरो है, तो यहां से क्या आ जाएगा, के माइनस वन का होल स्क्वायर है ये, तो होल स्क्वायर की पावर 53, ये क्या आ गया, जीरो। इट मीन्स के माइनस वन की पावर 106 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से के क्या आ गया, वन आ गया। तो के की वैल्यू अगर वन है, इन दैट केस द सम ऑफ द कोफिशियंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस विल बी वॉट, जीरो। तो के की वैल्यू क्या आ रही है अपनी, वन आ रही है, वन रख के देख लो, ठीक है। तो सम ऑफ द कोफिशियंट विल बी जीरो हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड द लार्जेस्ट कोफिशियंट इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई रेस टू द पावर एन, it is given that the sum of coefficients is equal to 4096। इसको ट्राई करो, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जस्ट ट्राई इट आउट। हो गया, ये दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है,
सबसे पहले तो क्या दिया है उसने, फाइंड द लार्जेस्ट कोफिशियंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में लार्जेस्ट कोफिशियंट क्या होगा? तो देखो लार्जेस्ट कोफिशियंट के लिए देखो एन सी आर आएगा। अब उसके लिए हमें एन पता होना चाहिए, तो एन फाइंड आउट करने के लिए उसने क्या दिया है, इनका जो सम है, सम ऑफ द कोफिशियंट, सम ऑफ द कोफिशियंट निकालते पहले। तो सम ऑफ द कोफिशियंट विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या करते हैं, एक्स भी वन रख दें, वाई भी वन रख दें, तो वन प्लस वन क्या आ जाएगा, टू, टू रेस्ट टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या दिया, 4096 गिवन है ना। तो यहां से एन पता चल गया, एन क्या आएगा, 12, टू रेस्ट टू द पावर 12 ही होता है ना, 4096, एन पता चल गया 12। अब x प्लस वाई रेस्ट टू द पावर 12, अब इसके एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट कोफिशियंट चाहिए, मीन्स व्हाट, लार्जेस्ट कोफिशियंट। तो लार्जेस्ट कोफिशियंट जो होगा दैट विल बी व्हाट, 12c, जो भी मिडिल टर्म वाला कोफिशियंट है होगा वही होगा। अब मिडिल टर्म कौन सी होगी इसकी, सेवंथ टर्म होगी, सेवंथ टर्म जो होगी मिडिल टर्म होगी, तो उसका बाइनोमियल कोफिशियंट क्या जाएगा, 12c 6, ये लार्जेस्ट हो जाएगा। देखो कैसे, इसके एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स कितनी होगी, टोटल टर्म्स कितनी होगी, 13। जो मिडिल टर्म होगी, मिडिल टर्म क्या होगी, टी 12/2 + 1 दैट इज व्हाट, 7। सेवंथ टर्म जो होगी मिडिल टर्म होगी, तो सेवंथ टर्म मिडिल टर्म जो होगी, तो सेवंथ टर्म क्या होता है, 12c 6, एक्स टू द पावर 6, वाई टू द पावर 6, तो मिडिल टर्म का कोफिशियंट है ये लार्जेस्ट होना चाहिए, ये आ गया। या फिर हम क्या करते हैं कि इसके एक्सपेंशन में क्या आएगा, 12cr आएगा, जो भी आएगा 12c0, फिर 12c1, फिर 12c2, 12c3, अब तो 12c12 तक जाएगा, उसमें मैक्सिमम चाहिए हमें, तो आर क्या होना चाहिए, 6। तो आर शुड बी इक्वल टू व्हाट, 6, मिडिल टर्म है ना, एन बाई टू, तो आर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 12c6 विल बी द मैक्सिमम कोफिशियंट। अब किसी भी एक्सपेंशन में सपोज वी हैव टू फाइंड आउट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मीनिंग क्या है वो देखते हैं। उसके लिए एक्स प्लस वाई रेस्ट टू द पावर एन जो है, ठीक है, इसका एक्सपेंशन अगर हम देखें, इसके एक्सपेंशन में टोटल एन प्लस वन टर्म्स विल बी देयर। टोटल कितनी टर्म्स आएगी, एन प्लस वन टर्म्स आएगी। अब उन एन प्लस वन टर्म्स में से जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो हमें फाइंड करना है, बट न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली मीन्स व्हाट, उसका मैग्नीट्यूड, ओके, उसका जो है मैग्नीट्यूड, साइंस हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाल जो है वो ग्रेटेस्ट हो, तो वो टर्म कौन सी होगी। तो यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे एक वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज, उस वैल्यू को मैं के से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और वो वैल्यू होती है एन प्लस वन मॉड ऑफ वाई अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। ये वैल्यू पहले फाइंड कर लो, ठीक है। अब देखो जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है दैट विल बी, फर्स्ट केस देखो, इफ के बिलोंग्स टू आई, के अगर इंटीजर आता है, के अगर इंटीजर आता है, यहां से जो वैल्यू आती है अगर वो इंटीग्रल वैल्यू आती है, ठीक है, तो इन दैट केस टू ग्रेटेस्ट टर्म्स विल बी देयर। ओके, इस केस में
टू ग्रेटेस्ट, दैट इज व्हाट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स आर देयर। और वो टर्म्स कौन कौन सी होगी? एक तो होगी kth टर्म और दूसरी होगी k प्लस वन टर्म। ये दो टर्म जो है ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी, कौन से केस में? इफ k बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। सेकेंड केस, अगर k इंटीजर नहीं आता है, k डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, मीन्स k क्या है, इंटीग्रल वैल्यू अगर k की नहीं है, इन दैट केस ओनली वन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म विल बी देयर। तो केवल एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी। वो टर्म क्या होगी? दैट टर्म विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्लस वन, ये जो टर्म होगी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग पता है तुम्हें, ठीक है। ये जो होगा दैट विल बी द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, मीन्स व्हाट, टी, इसको हम ऐसे लिखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्लस वन, ये जो टर्म होगी, दिस टर्म विल बी द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अब अगर हमें टी के या टी के प्लस वन या टी ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्लस वन अगर ये पता चल जाता है तो हम टर्म तो लिख देंगे और उस टर्म की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस 3x रेस टू द पावर 12 व्हेन x इज इक्वल टू 5 बाय 6। तो इसके एक्सपेंशन में टोटल 13 टर्म्स विल बी देयर। 13 टर्म्स में से जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले फाइंड आउट k, k फाइंड आउट करते हैं। k जो है ये देखो एन प्लस वन मॉड ऑफ वाई अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। तो यहां से के जो आएगा, के विल बी इक्वल टू एन क्या है, 12 प्लस वन मॉड ऑफ वाई, वाई की जगह क्या आएगा 3x, तो 3x अपॉन मॉड ऑफ एक्स मीन्स व्हाट, 2 प्लस मॉड ऑफ वाई 3x का मॉड। अब वैल्यू रख दें, x क्या बोला 5 बाय 6 रख दो यहां पे, ये होगा 13 इंटू एक्स की जगह 5 बाय 6 रखो, ये आ जाएगा 5 बाय 2 अपॉन 2 प्लस 5 बाय 2, ये आ जाएगा 65 अपॉन 9। तो k जो है k इंटीजर नहीं आ रहा है, कि के अगर इंटीजर आता तो दो मिडिल टर्म्स होती ये और ये, लेकिन के इंटीजर नहीं आ रहा है, इट मींस ओनली वन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म विल बी देयर एंड दैट टर्म इज गिवन बाय दिस। तो यहां के इंटीजर नहीं है तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्या आएगा वो फाइंड करना पड़ेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के जो आएगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 65 बाय 9, दैट इज 7 पॉइंट समथिंग। तो 7 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 7। के 7 आ गया तो विच टर्म विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म, 8th टर्म, t8, क्योंकि क्या होगा ये 7 प्लस 1 8th टर्म, 8th टर्म विल बी द ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। t8 क्या होता है, 12 c 7 2 रेस्ट टू द पावर 5 और 3 रेस्ट x रेस्ट टू द पावर व्हाट 7, x की वैल्यू क्या रख देंगे 5 बाय। तो जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है दैट विल बी 8th टर्म और उसकी वैल्यू होगी 8th टर्म। एक और एग्जांपल करते हैं,
ओके ये क्वेश्चन ट्राई करो. फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - 5x⁻¹ⁱ व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1/5. जस्ट ट्राई इट आउट. चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हम के फाइंड करते हैं. के याद है ना, के क्या होगा, एन प्लस वन मॉड ऑफ वाई अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई. इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं. वैल्यूज रखो, एन क्या है, इलेवन, इलेवन प्लस वन, फिर मॉड ऑफ वाई, वाई की जगह क्या माइनस फाइव एक्स है, मॉड ऑफ माइनस फाइव एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स दैट इज मॉड ऑफ थ्री प्लस मॉड ऑफ माइनस फाइव एक्स. तो ये जो आएगा दिस विल बी इक्वल टू 12 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है 1/5. यहाँ क्या माइनस वन का मॉड वन अपॉन थ्री प्लस वन क्या रहा है 12/4 दैट इज इक्वल टू व्हाट 3. तो k क्या आ गया, इंटीजर आ गया. तो यहां पे दो ग्रेटेस्ट टर्म होगी, कौन कौन सी, k क्या आ गया इंटीजर आ गया. इट मींस टू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स आर देयर. कौन कौन सी होगी, एक तो होगी टी के, दूसरी टी के प्लस वन. के क्या है अपना, थ्री आ गया. तो पहले क्या करें, टी थ्री निकाल लें. टी थ्री विल बी व्हाट, इलेवन सी टू 3^9 माइनस 5x रेस्ट टू द पावर 2. x की वैल्यू रख देते हैं 11 सी 2 3^9. इसकी वैल्यू रखो क्या आ जाएगा, माइनस 5x क्या रखूंगा 1/5 रखा तो माइनस वन का स्क्वायर दैट इज व्हाट 1 आ जाएगा. ठीक है, तो जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आई वो क्या है, 11c2 3^9. ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. 11c2 क्या होगा, 55 × 3^9. अब फोर्थ टर्म भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी क्योंकि k यहां 3 रखो ना, तो दोनों की वैल्यू सेम आना चाहिए. देखते हैं आ रही है नहीं आ रही है. टी फोर क्या होगा, 11c3 3 की पावर 8 माइनस 5x की पावर 3. तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस, ये तो 11c3 हो गया इंटू 3 की पावर 8, एक्स की वैल्यू 1/5 रख दूंगा ना. तो दिस विल बी इक्वल टू 11c3 की वैल्यू निकालो. 11c3 की वैल्यू हम यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं. 11c3 विल बी व्हाट, 11 10 9 अपॉन 6. तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 2 5, तो आ जाएगा 55 × 3 3^8. तो क्या गया ये, माइनस 55 इंटू 3^9. तो अब हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देखना है ना, तो देखो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सेम है, ये और ये, साइन भले ही डिफरेंट है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की क्या रही है, सेम है. तो k अगर इंटीजर है तो दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी और उन दोनों की वैल्यू जो है न्यूमेरिकली वैल्यू विल बी सेम. एक और एग्जाम्पल ट्राई करो, ये एक और क्वेश्चन ट्राई करो. फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स माइनस 1/x⁻¹ⁱ व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2. व्हेन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 2. जस्ट राइट आउट.
सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या किया होगा, क्या फाइंड किया होगा, के दैट इज व्हाट एन प्लस वन मॉड ऑफ वाई अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, दैट इज इक्वल टू 11 प्लस वन, एन की वैल्यू 11 है, मॉड ऑफ वाई ठीक है तो क्या है मॉड ऑफ माइनस वन बाय एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। अब एक्स की वैल्यू क्या है, टू है, यहां रख देते हैं, क्या आएगा 12 इंटू वन बाय टू, 12 इंटू वन बाय टू यह आ जाएगा 2 प्लस वन बाय टू। तो के जो आया, के की वैल्यू क्या है यहां से, ये तो आ जाएगा अपना 6 अपॉन 2 टू जा 4 5 बाय टू, मीन्स के आ गया अपना 12 बाय 5, के 12 बाय 5 आ गया। तो के जो है डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, के इंटीजर नहीं है, तो एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी, वन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज देयर। रो टर्म कौन सी होगी, टी ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्लस वन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 12 बाई 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 2 पॉइंट समथिंग होगा ये वैल्यू, 2.4, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है 2। तो थर्ड टर्म जो होगी दैट विल बी द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्या आ गया 2 आ गया। तो थर्ड टर्म क्या होती है इसकी, 11 सी 2 फिर एक्स की पावर 9 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 2, 11 सी 2 इंटू एक्स की जगह 2 रखा, 11 सी 2 अभी हमने फाइंड आउट किया था, क्या था ये 55 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 9 और ये था 2 रेस्ट टू द पावर 7। तो दिस विल बी द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट